सरोकार। आत्मदाह का प्रयास करने वाला चौकीदार भेजा गया जेल। तो लखनऊ से खबर बता दें आपको, जहां आत्मदाह का प्रयास करने वाले चौकीदार को जेल भेजा गया है। पत्नी का आरोप है कि प्रधान और उनके देवर की शह पर उन्होंने की आत्महत्या। चौकीदार मनोहर लाल को शांति भंग में कार्रवाई कर भेजा गया जेल। चौकीदार ने अपनी पत्नी संग लोक भवन के सामने किया था आत्मदाह का प्रयास। तो आपको बता दें, चौकीदार ने आत्मदाह का प्रयास किया था, जिसके बाद से उन्हें जेल भेज दिया गया। आत्मदाह के प्रयास मामले में चौकीदार मनोहर लाल को भेजा गया जेल। आत्मदाह का प्रयास करने वाला चौकीदार भेजा गया जेल। तो आपको बता दें, लखनऊ में चौकीदार को जिसने आत्मदाह का प्रयास किया था उसे अब जेल भेज दिया गया है। पत्नी का आरोप है कि प्रधान और उनके भाई पर उन्होंने दबाव बनाया था जेल भेजने के लिए। चौकीदार मनोहर लाल को शांति भंग में कार्रवाई कर भेजा गया जेल। निजी अस्पताल के दो कर्मचारियों पर 15 लाख के गबन का लगा मुकदमा। तो लखनऊ से खबर बता दें, जहां निजी अस्पताल पर 15 लाख के गबन का आरोप लगा है। आरोपियों ने कई फर्मों से अस्पताल के नाम पर मंगवाया था सामान। आरोपियों ने बाजार में बेच दिया था मंगवाया हुआ सामान। मामले की जानकारी मिलने पर अस्पताल प्रशासन ने कराई थी जांच। आंतरिक जांच में सामने आया था लाखों का हेरफेर। कृष्णा नगर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, निजी अस्पताल में दो कर्मचारियों पर 15 लाख का गबन करने का आरोप लगा है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के दो कर्मचारी हैं जिन्होंने 15 लाख का गबन किया है। आरोपियों ने पर जो आरोप है कि उन्होंने फर्म से जो अस्पताल के नाम पर सामान मंगवाया था और उस सामान को जो है बेच दिया था और इसकी रकम जो है वो नहीं दी गई थी, जिसको लेकर के जो ये शिकायत भी दर्ज कराई गई। लेकिन फिलहाल अब इस मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद इस मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। इस मामले में जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वो बताया जा रहा है कि जो पीलीभीत के जो निवासी हैं उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल अब इस मामले में जो पुलिस है, पुलिस का कहना यह है कि जिस तरीके से फर्म के नाम पर जो है पैसा वो किया गया, उसको लेकर के अब मामले की तफ्तीश हो रही है और तफ्तीश के बाद अब मामले में जांच की जाएगी। जांच के बाद ही जो साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हॉस्पिटल के नाम पे जो फर्म है, फर्म के नाम पे जो सामान मंगाया गया उसको लेकर के जो गबन किया गया है उसको लेकर के बड़ी जो बात है कि इसमें जो है हॉस्पिटल के खिलाफ जिस तरीके से कई बार जांच की बात कही गई, जो सामानों को मंगवाया जाता था उसका गबन किया जाता था, इसको लेकर के इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मामला दर्ज हुआ है इस पर भी जांच कर कार्रवाई करने की बात की जाए। लेकिन देखना ये होगा क्या इस मामले में कार्रवाई होगी या फिर ये जो फाइल है ये फाइल बंद हो जाएगी। तो कलीम, जैसा कि आपने कहा इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, तो क्या अस्पताल प्रशासन ने इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की इस पे? देखिए, जिस तरीके से पहले जो मामले आए हैं वो छोटे मामले थे, लेकिन इस बार जो मामला आया है वो 15 लाख के गबन का है। फिलहाल जो इससे पहले जो मामले आते रहे थे वो छोटे मामले थे, तो उसमें ज्यादा तो कार्रवाई नहीं बनती थी। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी बात थी कि जिस जो शुरुआत छोटे से ही होती है, पहले जब छोटे पर शुरुआत की जाती है, जब उसमें देखा जाता है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती तो मनोबल बढ़ जाता है, तभी उसके बाद बड़ा गबन किया था। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जो छोटे मामले थे उसके बाद अब ये बड़ा गबन हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन देखना ये होगा क्या इसमें कार्रवाई होती है, क्या कुछ गिरफ्तारियां होती है इन मामले को लेकर। ठीक है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। सामान लेकर घर जा रही किशोरी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। तो बता दें, लखनऊ में सामान ले जाती हुई किशोरी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। किशोरी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मां की युवकों ने की पिटाई। किशोरी की मां ने पुलिस से की शिकायत। छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट में दर्ज हुआ केस। इंदिरानगर थाना क्षेत्र स्थित तकरोही में युवकों ने किशोरी के साथ की थी छेड़छाड़। आपको बता दें, लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां पे सामान ले जाती हुई किशोरी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, ये किशोरी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, तो पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पे? तकरोही
छुरी जो है सामान लेने के लिए शाम को निकली हुई थी, लेकिन कुछ शोधे हैं वो लगातार उसके साथ छिड़खानी कर रहे थे, लेकिन जब इस छिड़खानी की शिकायत उसने अपनी माँ से घर पहुंचकर की, क्योंकि वो कॉलोनी के ही रहने वाले थे, जब उसकी माँ उस बच्ची को लेकर के जब उसके घर गई, माँ से उससे उसके शिकायत की शोधों की, तब जो जो शोधा था वो इस पर भड़क गया और उसी दौरान उसकी जो किशोरी की माँ है उसकी बेरहमी से पिटाई की और मौके से भगा दिया था। फिलहाल जिस तरीके से घटना देखी गई, पहले किशोरी से छेड़छाड़, उसके बाद उसकी माँ की पिटाई, फिलहाल इस मामले को लेकर के किशोरी को जो उसकी माँ है वो लेकर के थाने पहुंची और इस मामले में जब मुकदमा दर्ज कराया, फिलहाल पुलिस ने जो है इस मामले में छेड़छाड़ और पास्को समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और इसमें केवल एक शोधा ही नहीं उसके साथ जो उसके तीन और साथी थे उसका भी नाम शामिल किया गया है। और इसके बाद से जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची है, तो आरोपी मौके से फरार था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है और आरोपी जो फरार है उसको जल्द ही गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन इस मामले को लेकर के एक बड़ी बात यह उठती है कि जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो पेट्रोल पिंक बूथ चलाई गई थी, गुलाबी व्यवस्था चलाई गई थी, जो भीड़भाड़ के इलाकों या फिर बाजारों में सक्रिय रहने की बात कही जा रही थी, जो किशोरियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही थी उस पर अंकुश लगाने की बात कही जा रही थी, तो वो भी इस मामले में पूरी तरीके से फेल नजर आई है, क्योंकि जो गुलाबी व्यवस्था थी, जो पिंक पेट्रोल पे महिला पुलिसकर्मियां तैनात रहती हैं, वो भी बाजारों से दूर नजर आई थी, क्योंकि केवल ये देखा जाता है कि महिला जो पुलिसकर्मियां जो गुलाबी व्यवस्था पे तैनात है वो केवल और केवल पार्कों में जाती है, फोटो खिंचाती है, फोटो खिंचाने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है कि हाँ पुलिस एक्टिव है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत ये साफ बयां करती है कि जिस तरीके से किशोरियों के साथ घटनाएं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो गुलाबी व्यवस्था है वो पूरी तरीके से फेलियर भी नजर आ रही है। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद कली। यूपी में कई आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला, तो आपको बता दें लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, कई जेल अधिकारियों का भी हुआ तबादला। आपको बता दें तबादले का दौर जारी है, 6 जेल अधीक्षक और 6 जेलर हैं शामिल, वहीं तबादले में 6 जेल अधीक्षक और 6 जेलर भी शामिल हैं। इस अधिकारियों का हुआ तबादला, तो लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, जहां आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ जालसाजी और धोखाधड़ी का केस, तो लखनऊ से खबर बता दें आपको, जहां 8 लोगों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज हुआ है, जमीन बेचकर करोड़ों की ठगी करने के मामले में 8 के खिलाफ दर्ज हुई रिपोर्ट। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। बता दें आपको, जालसाजी, चोरी, धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज, शुरू की जांच। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, 8 लोगों के खिलाफ ये जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है अब? देखिए, मोहल्लागंज के एक परेडा गांव है, जहां पर एक जमीन है, जमीन को जो है कुछ लोगों ने जो है मिल करके बेच दिया था और उसकी जो रकम थी वो जो है जिसकी जमीन थी उसको नहीं दी गई थी। और ये इस मामले में ये जो जमीन बताई जा रही है करोड़ों की जमीन थी, लेकिन इसमें जिस तरीके से बंदर बांट किया गया है 8 लोगों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इस मामले में अब केस भी दर्ज कराया गया है और पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश करने के बाद जो है इसमें जो है कार्रवाई की बात कर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो फ्रॉड का मामला है सामने, क्योंकि जो जमीन है जो लखनऊ के जानकीपुरम के डॉक्टर रजत सिंह है, इनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि 3000 की वर्कफुट की जमीन थी, लेकिन उस जमीन का जो सौदा हुआ साल 2016 में, लेकिन जो पैसा था वो अभी तक नहीं दिया गया, इसको लेकर के जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इन लोगों के पास जब पीड़ित पैसे की रकम मांगने के लिए गया हुआ था, तो इन लोगों के द्वारा अपलाह दिखाकर उसको जान से मारने की धमकी दी गई थी और पैसा व प्लाट भूल जाने की धमकी दी थी, जिसके बाद ही जो है इसके द्वारा जो पुलिस में इस मामले की शिकायत की गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और इस मामले में तफ्तीश करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन कब गिरफ्तारी होगी ये अभी तक साफ नहीं बताया गया। फिलहाल जो मुकदमा बताया जा रहा है वो उन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज होने की बात सामने आई है। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। आपको बता दें लखनऊ से खबर आ रही है, जहां स्कूल में 7 साल की मासूम को बेरहमी से पीटा गया है। पुरानी रंजिश में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, तो कौशाम्बी से खबर बता दें, जहां पुरानी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, वहीं दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, वहीं मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं।
जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पिपरी थाना क्षेत्र के मैनापुर गांव का है पूरा मामला। ट्रक और ट्रैक्टर में हुई भीषण भिड़ंत, तो अलीगढ़ से खबर बता दें आपको, जहां पे ट्रक और ट्रैक्टर में भीषण भिड़ंत हुई। ट्रक का टायर फटने से हुआ गंभीर सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक बालू से लदे ट्रैक्टर में घुसा। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। हरदुआगंज थाना क्षेत्र की है पूरी घटना, तो आपको बता दें ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत का मामला सामने आया है। ट्रक और ट्रैक्टर में हुई जोरदार भिड़ंत, तो अलीगढ़ से खबर बता दें आपको। 15 लाख की बड़ी लूट की वारदात से हड़कंप मच गया है। वहीं मेरठ से खबर बता दें, जब 15 लाख की बड़ी लूट हुई है, एटीएम के कैशियर एजेंट से बदमाशों ने लूटे 15 लाख रुपए। बाइक से एटीएम मशीनों में पैसे डालने जा रहा था कैशियर एजेंट। बाइक सवार दो बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूटे 15 लाख रुपए। लूटकर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार, तो आपको बता दें 15 लाख की बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। सीसीटीवी के जरिए पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। थाना मवाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का बुलंदशहर दौरा, तो आपको बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुलंदशहर के दौरे पर हैं। बीजेपी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अफसरों के साथ करेंगे बैठक। विकासीय एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, तो आपको बता दें बुलंदशहर दौरा है। वहीं बीजेपी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद भी करते दिखेंगे। फिल्मी स्टाइल में पिस्टल के साथ युवक का वीडियो हुआ वायरल, तो बुलंदशहर से खबर बता दें, जहां फिल्मी स्टाइल में पिस्टल के साथ एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इंस्टाग्राम रील में युवक के हाथ में पिस्टल दिख रही है। एक फोटो में पिस्टल को किस करता नजर आ रहा है युवक। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुजानगर के बड़ा मोहल्ला निवासी बताया जा रहा है युवक। बिजोरा चौकी पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। तो सिद्धार्थनगर से खबर बता दें, जहां बिजोरा चौकी में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के काटे गए चालान। एसपी के निर्देश पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाया गया अभियान। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए दिए गए सख्त निर्देश। 22 मई को होगी यूपी कांग्रेस की समीक्षा बैठक, तो लखनऊ से खबर बता दें, 22 मई को कांग्रेस की एक समीक्षा बैठक होनी है। निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर होगी समीक्षा बैठक। तो जो निकाय चुनाव में जो कांग्रेस को हार मिली है, जिसको लेकर कांग्रेस अब एक समीक्षा बैठक करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी होगा मंथन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी समेत सभी प्रांतीय अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें 22 मई को होगी कांग्रेस की समीक्षा बैठक। सतबीर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। बुलंदशहर से खबर बता दें आपको, जहां सतबीर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। बेची गई जमीन पर खरीदार पक्ष ना ले सके कब्जा, इसलिए हुई थी सतबीर की हत्या। मृतक सतबीर ने की थी 63 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त में मदद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दो आरोपी भी हैं अभी फरार। एसएसपी श्लोक कुमार ने किया हत्या का खुलासा, तो आपको बता दें सतबीर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।